चोर के पीछे पीछे भागते हुए अन्वी मुंह के बल फिसलते हुए स्विमिंग पूल में गिर गई। पानी में गिरते ही एक बार फिर वही मंजर अन्वी की आंखों के सामने घूमने लगा जो मोहिनी की एंगेजमेंट के वक्त उसके साथ हो चुका था। पानी के नाक के अंदर जाते ही उसका दम घुटने लगा। वो हाथ पैर मारते हुए ऊपर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिसे तैरना नहीं आता वो चाहे कितना भी हाथ पैर चलाए, उसके लिए पानी के ऊपर आ पाना मुश्किल ही होता है। ठीक यही अन्वी के साथ भी हो रहा था और ये देखकर आसपास के लोग चिल्लाने लगे थे, बचाओ बचाओ, कोई इस लड़की को बचा लो। लेकिन शायद उनमें से किसी को तैरना नहीं आता था, इसलिए पानी में जाने को कोई भी तैयार नहीं था। अन्वी जितना ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, पानी उसे उतना ही नीचे की ओर डुबोता जा रहा था। पर ठीक इसी वक्त आर्यन भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा हुआ था। उसने जैसे ही ये शोर शराबा सुना और अन्वी को देखा तो फिर बिना सोचे समझे सूट बूट के साथ ही पानी में छलांग लगा दी। अब तक लोग भी इनकी तरफ ट्यूब और रस्सियां फेंक चुके थे और इनका हौसला बढ़ा रहे थे। कमॉन कमॉन यंग मैन, तुम कर सकते हो, यू कैन सेव हर। और आर्यन धीरे धीरे अन्वी को किनारे पर लाने लगा। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ वरुण ने भी आकर सब देख लिया कि आर्यन अन्वी को बाहर ला रहा था, तो ये देखकर एक बार फिर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, ये आर्यन क्यों मेरा दुश्मन है? अगर मैं यहाँ आने में लेट नहीं होता तो इस वक्त आर्यन की जगह अन्वी मेरी बाहों में होती, अन्वी का हीरो मैं बनता और लोग मुझे देखते, अन्वी के साथ मेरा वीडियो वायरल होता। लगता है आजकल मेरे दिन ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र राहु केतु आपस में लड़ रहे हैं, मेरे ऑपोजिट आर्यन हर जगह कैसे टपक जाता है, जहां मेरी एंट्री होनी चाहिए ये एंट्री मार लेता है। कुछ ज्यादा ही तेज किस्मत है इसकी, एक हाथ में रिया और दूसरी में अन्वी, इसके तो दोनों हाथों में लड्डू ही है। वरुण खुद में ही तमतमाने लगा था और उधर आर्यन अन्वी को किनारे लेकर आ चुका था। कुछ मिनटों तक पानी में रहने और इतनी बुरी तरह से संघर्ष करने के कारण अन्वी काफी घबराई नजर आ रही थी। इनफैक्ट कुछ पानी तो उसके मुंह और पेट के अंदर भी चला गया था और उसी वजह से वो खांस भी रही थी। आर्यन ने किसी से बिना कुछ कहे अन्वी को जमीन पर सीधा लेटाया और पेट दबाते हुए उसका पानी निकालने लगा। अन्वी प्लीज कम ऑन, कोशिश करो, तुम ठीक हो जाओगी, रिलैक्स। अब वरुण ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए दौड़ते हुए वहां आया और नाटक करने लगा। आर्यन तुम्हें कोई काम होगा, अन्वी को छोड़ो, मैं देख लूंगा, एक्चुअली मैंने ही अन्वी को यहाँ बुलाया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्हें घर छोड़ दूं। वरुण के ऐसा कहते ही आर्यन जैसे गुस्से में फूट पड़ा। उसने वरुण को देखते हुए कहा, क्या कहा? आप उनके साथ हैं और आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? क्या इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि ये पूल में डूब जाए और मदद के लिए चिल्लाते रहे? आपको पता है अगर दो मिनट और मैं नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था, आप जाकर अपना काम कीजिए, मिस मेहरा को मैं देख लूंगा। और आर्यन के ये कहते ही वरुण को चुप रहना पड़ा, क्योंकि उसकी तो पोजीशन ही नहीं थी आर्यन के सामने कुछ भी कहने की, ना तो उसका कद ऐसा था और ना ही उसके किए गए काम जिससे वो आर्यन को जवाब दे सकता था, इसलिए मुंह लटका के वापस चला गया। रेस्टोरेंट का स्टाफ अब तक यहां आ चुका था, इसलिए आर्यन ने रेस्टोरेंट के फीमेल स्टाफ से कहा, प्लीज आप इन्हें चेंज करवा दीजिए, कार में जरूर इनकी कोई ड्रेस होगी, मैं अभी लाकर देता हूँ। लेकिन आर्यन जैसे ही जाने लगा कि स्टाफ की दोनों लड़कियों ने कहा, सर प्लीज आप कुछ देर रुकिए, हम व्हील चेयर लेकर आते हैं, मैम काफी घबराई हुई हैं, चलकर नहीं जा पाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, आर्यन ने झट से अपनी मजबूत बाहों में अन्वी को उठाया और उनसे कहा, बताइए किस तरफ ले जाना है, मैं इन्हें वहां पर छोड़कर इनकी ड्रेस ले आता हूं। उसने अन्वी से कार की चाबी ली और एक ड्रेस निकालकर फीमेल स्टाफ को दे दी। कुछ देर बाद अन्वी चेंज करके बाहर आ गई थी, लेकिन अभी भी वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, शायद फिसलने की वजह से उसके पैर में मूंछ आ गई थी, उसके बाल गीले थे और वो कांप भी रही थी। अन्वी को देखकर आर्यन को लगा, इस हालत में मिस मेहरा को घर ले जाना ठीक नहीं होगा, वरना उनके डैड बहुत परेशान हो जाएंगे। और उसने फिर अन्वी से कहा, मिस मेहरा इफ यू डोंट माइंड मैं आपको अपने घर ले चलूं, एक्चुअली आपकी जो कंडीशन है उसमें अगर मिस्टर मेहरा ने आपको देख लिया तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए जब आप नॉर्मल फील करने लगेंगी तो मैं खुद आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा, और हाँ मेरे घर पर हम सोच भी लेंगे कि आपकी मूंछ का क्या बहाना बनाना है। ये कहते हुए आर्यन हंस दिया और अन्वी ने हाँ में सर हिला दिया, पर अन्वी ने जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया कि जोर से चीख पड़ी, आउच। आर्यन ने उसे थामते हुए कहा, क्या हुआ मिस मेहरा? आर्यन आई एम सॉरी, मेरा मतलब मिस्टर मलिक, आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा। इट्स ओके मिस मेहरा, आप आर्यन कह सकती हैं, इनफैक्ट आपके मुंह से आर्यन सुनना मुझे अच्छा लगता है। ओके आर्यन, एक्चुअली मुझे लग रहा है मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं नहीं चल पाऊंगी, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब ये 50 किलो का वेट मुझे एक बार फिर से उठाना पड़ेगा, तो ठीक है उठा लेते हैं।
ये कहते हुए आर्यन ने एक बार फिर किसी फूल की तरह अन्वी को अपनी बाहों में उठाते हुए गाड़ी तक ले गया और उसे आगे की सीट पर बिठा दिया। यहाँ वरुण वापस घर जा रहा था, पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट उसके सर पर सवार थी। वो तेजी से गाड़ी चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसके साथ ही उसकी जुबा भी तेजी से चल रही थी। ये आर्यन मलिक, लगता है रिया के बाद मेरा अगला दुश्मन यही बनेगा। मन तो कर रहा है कि अभी उसे शूट कर दूं। बड़ा आया हीरोगिरी करने। अरे अगर ये नहीं आता तो मैं कितने आराम से अन्वी से बात कर रहा होता, उससे उसकी पसंद पूछ रहा होता, उसे कैसे लड़के पसंद है, कैसी ड्रेस पहनना पसंद है, ब्ला ब्ला में सारी बातें जान लेता और फिर उसी के हिसाब से वैलेंटाइंस पार्टी ऑर्गेनाइज करता। पटनो, आज तो ये मेरी आंखों में चढ़ गया है, अब इसकी किसी दुखती नफ्स को देखना ही होगा, तभी इसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ये कहते हुए वरुण ने हॉर्न बजाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ली। इधर घर आकर भी इंद्रजीत जी को काफी अकेलापन फील हो रहा था। नौकरों के साथ घिरे रहने के बावजूद भी उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हें 2.5 साल पहले की एक एक बात याद थी, जब वो शाम को ऑफिस से घर आते रत्ना पानी का ग्लास लेकर उनके सामने खड़ी होती, फिर मुस्कुराते हुए उनके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती, उनके बालों में तेल से मालिश करती और फिर उनसे पूछती, जी खाने में क्या बनाऊं। इसलिए आज तो उन्होंने सोच लिया था, अब मैं और नहीं रुकूंगा, रिया से बात करके ही रहूंगा। और फिर जैसे ही मोहिनी ने घर के अंदर कदम रखा तो सबसे पहले इंद्रजीत जी ने अपनी पुरानी वाली मांग दोहरानी शुरू कर दी। रिया, मुझे तेरी माँ चाहिए। माना कि उन्हें अस्पताल की जरूरत है, पर एक बार तो उनसे मिल लूं, उन्हें देख लूं, उसके बाद तेरी जो मर्जी वो करना। मोहिनी ने जैसे तैसे उन्हें समझाया, ठीक है मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द माँ घर आ जाए, और पिंड छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। यहाँ आर्यन अन्वी को अपने घर लेकर आ गया था और वहाँ वरुण गुस्से में गाड़ी चलाता हुआ सीधा मोहिनी के पास चला गया। उसने मोहिनी को आग लगाते हुए बताया, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आर्यन और अन्वी इस वक्त कहाँ हैं? रिया ने संदेह भरी नजरों से वरुण को देखकर कहा। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? वरुण एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक्सक्लूसिव फियांसे मिस्टर आर्यन मलिक मिस्टर मेहरा की इकलौती लाडली बेटी मिस अन्वी मेहरा के साथ है। क्या और भी किसी लैंग्वेज में आप जानना चाहेंगी मिस रिया? ये सुनते ही मोहिनी का खून खौलने लगा और उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी बकवास बातों से मतलब नहीं है, मुझे नहीं जानना कि दोनों कहाँ हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझसे दूरी बनाकर रखो। वरुण समझ चुका था कि उसने रिया के कटे पर नमक छिड़क दिया था और अब बस धमाका होना ही बाकी था। वरुण के जाने की देरी थी कि मोहिनी ने झट से आर्यन को कॉल लगा दिया। उसके मोबाइल पर लगातार रिंग जा रही थी पर कॉल पिक नहीं हो रहा था। यहीं से मोहिनी का दिमाग सटक गया, उसे लगा जरूर कि कुछ गड़बड़ थी। वो कई बार ट्राई कर चुकी थी पर कोई रिस्पांस नहीं था। इसके बाद अब मोहिनी के लिए चैन से बैठना मुश्किल होने लगा। उसने तुरंत गाड़ी उठाई और फिर आर्यन के घर जाने के लिए निकल गई। इधर आर्यन अन्वी को अपने घर लेकर आ चुका था और फिर उसने आकर बड़े ही आराम से मिस्टर मेहरा को भी फोन पर पूरी बात समझा दी थी और मिस्टर मेहरा भी निश्चिंत हो गए थे। वैसे एक तरह से ठीक ही हुआ क्योंकि फिलहाल तो मैं भी घर पर नहीं हूँ, इसलिए अन्वी का आर्यन के घर जाना ही ठीक था। अब कम से कम उसकी वहाँ पर अच्छे से केयर भी हो जाएगी। अन्वी गेस्ट रूम में थी, आर्यन की माँ ने ही इन दोनों को यहाँ भेजा था और वो खुद नीचे काढ़ा बनाने किचन में आ गई थी। आर्यन ने झट से अपना हेयर ड्रायर निकाला और अन्वी के बालों को सुखाने लगा। इस बार अन्वी को हंसी आ गई, उसने कहा, आर्यन मैं खुद कर सकती हूँ। आर्यन ने अन्वी को डांटते हुए कहा, अगर आप बीमार पड़ गई तो मिस्टर मेहरा की डांट मुझे खानी पड़ेगी, इसलिए आप चुपचाप बैठिए। अन्वी ने अपनी पलकों को उठाते हुए कहा, एक तरफ बड़ी इज्जत के साथ मिस मेहरा कह रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे डांट भी रहे हैं। एक और बात मुझे समझ नहीं आई कि आप अचानक वहाँ पहुँचे कैसे? मैं तो वहाँ एक क्लाइंट से मिलने गया था पर अचानक आप सामने मुसीबत में दिख गए और मैं सब कुछ भूल गया। आर्यन अन्वी के बालों को सुखाते हुए ही उससे बात करता जा रहा था। जब अन्वी के बाल अच्छी तरह से सूख गए तो आर्यन ने तेल की शीशी उठाई और खूब सारा तेल अन्वी के तलवों पर लगाते हुए अपनी मजबूत हथेलियों से उसके तलवों की मालिश करने लगा। ये देखकर तो अन्वी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही खड़ूस मिस्टर मलिक थे जिससे उसकी कभी किसी बात पर नहीं बनती थी। जैसे ही अन्वी मुस्कुराई कि आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, हंसी हंसी आप भी हंस लीजिए, पर ये मेरी माँ का प्यार है। आपको बताऊं, जब भी मैं बचपन में बीमार होता था मुझे सर्दी लग जाती थी तो माँ इसी तेल से मेरे सिर और तलवों पर मालिश करती थी और अब तक वो ये तेल बनाती ही रहती हैं। देखना मालिश के बाद आपको कितना अच्छा लगेगा। और आर्यन लगातार अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर बाद मोहिनी आर्यन के घर आ चुकी थी। अब तो जैसे उसे यहाँ आने का अधिकार मिल गया था। उसने हॉल में आकर जोर से आवाज लगाई,
कोई है? तभी एक नौकर ने आकर कहा, जी मैडम बताइए क्या काम है। एकदम से मोहिनी के मुंह से निकला, यू इडियट मुझसे पूछ रहे हो क्या काम है? अरे मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, कभी भी यहाँ आ सकती हूँ। तभी किचन से अचानक आर्यन की माँ ने आकर कहा, क्या बात है रिया, किस बात पर नाराज हो रही हो? ये सुनकर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, एक्चुअली मेरा किसी और बात की वजह से मूड ऑफ था, आई एम सॉरी। वो मुझे आर्यन से जरूरी काम था। क्या आर्यन और अनवी यहाँ आए थे? आर्यन की माँ ने पता नहीं क्या सोचा, पर उन्होंने एकदम से मोहिनी को मना कर दिया, नहीं वो तो यहाँ नहीं आए, आर्यन तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया। पर हुआ क्या है? आंटी कुछ नहीं, मैं आर्यन से ही बात कर लूंगी। ओके बाय, मैं चलती हूँ। कहते हुए मोहिनी से एक मिनट भी यहाँ रुका नहीं गया, और जैसे ही वो वापस लौटने लगी तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद वो सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर कई सवाल एक साथ तैरने लगे थे। आखिर ऐसा क्या देख लिया मोहिनी ने? क्या आर्यन अनवी से जुड़ी कोई बात थी? अनवी के लिए आर्यन की ये केयर इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाएगी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का।